बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 50 महान विचार। पुरुष नश्वर है और विचार भी। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता है जितनी एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों सूख और मर जाएंगे। धर्म निरपेक्ष राज्य की अवधारणा पश्चिम की उदार प्रजातांत्रिक परंपरा से प्राप्त होती है। राज्यनिधि द्वारा संचालित किसी भी संस्था का इस्तेमाल धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, चाहे वह धार्मिक शिक्षा राज्य या किसी अन्य संस्था द्वारा दी गई हो। एक इतिहासकार जो इतिहास का जन्मदाता है, महान कार्यों का संरक्षक, गुमनामी का दुश्मन, अतीत का गवाह, भविष्य का निर्देशक है। सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। जुनून से मुक्त, मतलब भय, असंतोष या स्नेह से निष्पक्ष और सच के प्रति वफादार होना चाहिए। आपको अपनी गुलामी स्वयं खत्म करनी होगी। भगवान या एक महामानव पर इसके उन्मूलन के लिए निर्भर ना रहें। याद रखें कि संख्यानुसार लोगों का बहुमत में होना पर्याप्त नहीं है। सफलता पाने और बनाए रखने के लिए उन्हें हमेशा सतर्क, मजबूत और स्वाभिमानी रहना होगा। हमें स्वयं अपनी राहों को आकार देना होगा। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। धर्म अंतर्निहित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक माहौल बनाने के लिए है। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि आप हिंदू धर्म में अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं। मेरी राजनीति का आधार इस प्रस्ताव में निहित है कि अछूत हिंदुओं का एक उपविभाजन या उपधारा नहीं है और वे भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक अलग और विशिष्ट तत्व हैं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि सामाजिक संगठन का एक रूप है। लोग और उनके धर्म का न्याय सामाजिक नैतिकता के आधार पर सामाजिक मानकों के द्वारा किया जाना चाहिए। किसी अन्य मानक का कोई अर्थ नहीं है। यदि मैंने संविधान का दुरुपयोग होते पाया तो इसे सबसे पहले जलाने वाला मैं होऊंगा। मैं संविधान को व्यावहारिक मानता हूं। यह लचीला है और इतना मजबूत भी कि यह राष्ट्र को शांतिकाल और युद्ध दोनों समय में एक साथ रख सकता है। वास्तव में अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर नए संविधान के तहत कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास एक बुरा संविधान था। हमें यह कहना होगा कि मनुष्य बुरा था। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी एक शासकीय सिद्धांत के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। एक सफल क्रांति के लिए वहां असंतोष पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की न्याय आवश्यकता और महत्वता का एक गहरा और पूरी तरह से दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। अधिकार तभी वास्तविक है जब उपाय उनके साथ हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति को अपने अधिकारों पर हुए आक्रमण पर सहारा लेने के लिए कोई कानूनी उपाय नहीं है तो ऐसे अधिकार देने का कोई लाभ नहीं है। लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह मुख्य रूप से संयुक्त संप्रेषित अनुभव के जुड़े रहने की एक विधा है। यह अनिवार्य रूप से हमारे साथी मनुष्यों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का एक दृष्टिकोण है। जहां कानूनी अर्थों में कोई गुलामी नहीं है, वहां भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। जाति व्यवस्था के रूप में यह पाया जाता है कि कुछ लोग निर्धारित आजीविकाओं पर जाने के लिए मजबूर हैं, जो उनकी अपनी पसंद नहीं है। इतिहास से पता चलता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र संघर्ष में आते हैं, जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को स्वेच्छा से वापस लेने के लिए कभी नहीं जाना गया है, जब तक कि उन्हें मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना हो। हर मनुष्य के जीवन का एक दर्शन होना आवश्यक है।
हर किसी के पास एक मानक होना आवश्यक है जिसके द्वारा वह अपने आचरण को माप सके, तथा दर्शन कुछ और नहीं बल्कि मापने के लिए एक मानक है। भारतीय आज दो अलग अलग विचारधाराओं से संचालित होते हैं। उनके राजनीतिक आदर्श संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के एक जीवन की पुष्टि करता है। उनके धर्म में समाहित उनके सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। जिस प्रकार पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, उसके विपरीत समाज में रहकर मनुष्य अपनी पहचान नहीं खोता। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है, वह सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ है बल्कि उसके स्वयं के विकास के लिए हुआ है। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है। बौद्ध धर्म शूद्रों का धर्म कहा जाता था। केवल एक ही व्यक्ति था जिसने अलगाववाद और अस्पृश्यता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, और वे बुद्ध थे। हमें यह स्वीकार करना शुरू करना होगा कि भारतीय समाज में दो बातों का पूर्ण अभाव है। इनमें से एक समानता है। सामाजिक स्तर पर एक भारत ऐसा है जो श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका अर्थ कुछ के लिए पदोन्नति और कुछ के लिए गिरावट है। आर्थिक स्तर पर हमारे पास एक समाज है जिसमें कुछ के पास विशाल खजाना है जबकि ज्यादातर घोर गरीबी में रहते हैं। जाति के विनाश की दृष्टि से संतों के संघर्ष का समाज पर कोई प्रभाव नहीं था। एक व्यक्ति के मूल्य स्वयं सिद्ध और स्वयं स्पष्ट हैं। यह उसे भक्ति करने से नहीं आए हैं। संतों ने इस बात को स्थापित करने के लिए संघर्ष नहीं किया। इसके विपरीत उनके संघर्ष का दलित वर्ग पर बहुत अस्वस्थ प्रभाव पड़ा है। इसने ब्राह्मणों को उन्हें चुप कराने का बहाना दे दिया है कि अगर वे सम्मान पाना चाहते हैं तो उन्हें चोखा मेला का दर्जा प्राप्त करना होगा। यह शरारत हिंदू शास्त्रों द्वारा प्रचारित की गई कि उच्च वर्गों की सेवा करके शूद्र मोक्ष को प्राप्त करता है। अस्पृश्यता गुलामी की एक और पदवी है। कोई जाति अपने आत्म सम्मान को नष्ट करने से नहीं उठ सकती है। यदि आप वास्तव में अछूतों का उत्थान करना चाहते हैं तो आपको उनसे सामाजिक व्यवस्था में स्वतंत्र नागरिक के रूप में व्यवहार करना होगा और उन्हें अपने भाग्य को रूप देने की आजादी देनी होगी। मैं भगवत गीता में प्रतिपादित हिंदू सामाजिक दर्शन को नकारात्मक रूप में अस्वीकार करता हूं। मेरे फैसले में यह कपिल के दर्शन की एक क्रूर विकृति है जो सांख्य दर्शन के त्रिगुण पर आधारित है और जिसने जाति व्यवस्था की वर्गीकृत असमानता को हिंदू सामाजिक जीवन का कानून बनाया है। संवैधानिक नैतिकता एक प्राकृतिक भावना नहीं है, यह अभी लाई जानी है। हमें यह महसूस करना होगा कि हमारे लोगों को अभी भी सीखना है। भारत में लोकतंत्र भारतीय जमीन पर सिर्फ एक परत है जो अनिवार्य रूप से अलोकतांत्रिक है। मनुष्य नश्वर है, हर किसी को कभी ना कभी मरना है, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में आत्म सम्मान के महान आदर्शों को समृद्ध बनाने और स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करना होगा। हम दास नहीं हैं। एक बहादुर व्यक्ति के लिए आत्म सम्मान से रहित जीवन जीने की तुलना में और अधिक शर्मनाक कुछ नहीं है। भारत में भक्ति या भक्ति मार्ग या नायक भक्ति राजनीति में जो हिस्सा अदा करती है वह दुनिया के किसी भी अन्य देश की राजनीति के मुकाबले अतुल्य है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति के लिए एक मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक भक्ति यकीनन क्षरण करने के लिए और अंततः तानाशाही करने के लिए एक मार्ग है। अस्पृश्यता ने अछूतों और हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है और आखिरकार राष्ट्र को भी। यदि दलित वर्ग अपने आत्म सम्मान और स्वतंत्रता की प्राप्ति करे
तो वह केवल अपनी खुद की प्रगति और समृद्धि के लिए ही नहीं, अपितु अपनी मेहनत, बुद्धि और साहस से राष्ट्र की शक्ति और समृद्धि के लिए भी योगदान करेगा। वर्तमान में अस्पृश्यता के कलंक का मुकाबला करने में अछूतों की जबरदस्त ऊर्जा को नष्ट होने से बचाना आवश्यक है। यह उनके द्वारा उनके पूरे देश में शिक्षा और संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए लगानी होगी। जाति अंतरराज्यीय रात्रिभोज व अंतरजातीय विवाह के आवारा उदाहरणों द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती। जाति मन की एक अवस्था है, यह मन की एक बीमारी है। हिंदू धर्म की शिक्षाएं इस रोग का मूल कारण है। हम जातिवाद का अभ्यास और अस्पृश्यता का पालन करते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा करने के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। एक कड़वी चीज को मिठाई नहीं बनाया जा सकता, किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर अमृत में नहीं बदला जा सकता। मुझे सबसे बड़ा झटका इस बात का है कि मेरा समुदाय अभी भी अपमान की स्थिति को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि जाति के हिंदू अब भी उन पर हावी हैं। आपको अपने स्वयं के बल पर भरोसा करना होगा। आप इस धारणा को झकझोर कर समाप्त कर दो कि आप किसी भी तरह से किसी भी समुदाय से नीच हो। भारत में अल्पसंख्यकों ने राजभक्ति पूर्वक बहुमत के शासन को स्वीकार कर लिया है, जो मूल रूप से एक सांप्रदायिक बहुमत है और एक राजनीतिक बहुमत नहीं है। बहुमत को अपने कर्तव्य का एहसास करना है कि उसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव नहीं करना है। अल्पसंख्यक रहेंगे या नहीं, यह बहुमत की इस आदत पर निर्भर करेगा। जिस पल बहुमत अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव की आदत छोड़ देगा, अल्पसंख्यकों के मौजूद रहने का कोई कारण नहीं रहेगा, वे गायब हो जाएंगे। क्यों एक मानव शरीर मृतक बन जाता है? इसका कारण है कि जब तक मानव शरीर पीड़ा से मुक्त नहीं है, मन खुश नहीं हो सकता है। यदि एक व्यक्ति में उत्साह का अभाव है तो उसका शरीर या मन मृतक हालत में है। व्यक्ति में से उत्साह कौन निकालता है? यदि कोई उत्साह नहीं है तो जीवन कठिन परिश्रम हो जाता है, घसीटने के लिए एक बोझ मात्र। यदि उत्साह नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति की ओर से उत्साह की इस कमी का मुख्य कारण उसकी तरक्की करने का अवसर प्राप्त करने की आशा खोने से है। निराशा से उत्साह की कमी हो जाती है। ऐसे मामलों में मन मृतक हो जाता है। उत्साह कब आता है? जब वह ऐसे माहौल में सांस लेता है जहां उसे अपने श्रम के लिए वैध इनाम मिलने का विश्वास होता है। उसके बाद ही वह एक उत्साह और प्रेरणा से समृद्ध महसूस करता है। कानून का असली काम समाज में दोषों की मरम्मत करना है। दुर्भाग्य से प्राचीन समाजों ने अपने स्वयं के दोषों की मरम्मत के काम की कल्पना की हिम्मत कभी नहीं की, फलस्वरूप वे सड़ गए। इस देश ने यूरोपियों की पोप की सत्ता को चुनौती देने की मांग से बहुत समय पहले चर्च संबंधी कानून और धर्मनिरपेक्ष कानून के बीच का संघर्ष देखा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने धर्मनिरपेक्ष कानून की नींव रखी। भारत में दुर्भाग्य से चर्च संबंधी कानून ने धर्मनिरपेक्ष कानून पर विजय पाई। मेरी राय में यह देश में सबसे बड़ी आपदाओं में से एक थी। हिंदू समाज का प्रगति ना करना इस धारणा की वजह से था कि प्राकृतिक कानून बदला नहीं जा सकता है। सभ्यता एक सतत प्रक्रिया कभी नहीं रही। यहां राज्य और समाज थे जो एक समय में सभ्य थे। समय के पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ कि ये समाज स्थिर हुए और सड़ गए। यह खुद भारत के इतिहास से साफ हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत उन देशों में से एक है जो प्राचीन सभ्यता का दावा कर सकते हैं। जब यूरोप के निवासी बर्बर हालातों के तहत जी रहे थे, यह देश सभ्यता की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया था। जब यूरोप के लोग मात्र खानाबदोश थे तो इसके पास संसदीय संस्थाएं थी।
मैं एक समुदाय की प्रगति महिलाओं द्वारा हासिल प्रगति के आधार पर मानता हूं। जो कोई भी निजी उद्यम और व्यक्तिगत लाभ की खोज पर आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था की व्यवस्था की कार्यप्रणाली का अध्ययन करता है, उसे एहसास होगा कि कैसे यह व्यक्ति के अधिकारों का, जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है, का अगर वास्तव में उल्लंघन ना सही नजरअंदाज करती है, कितने लोगों को जीवन जीने के क्रम में अपने अधिकारों को त्यागना पड़ता है, कितने लोगों को स्वयं को निजी नियोक्ताओं द्वारा शासित होना पड़ता है। भारत एक अजीब देश है और उसके राष्ट्रवादी और देशभक्त अजीब लोग हैं। भारत में एक देशभक्त और एक राष्ट्रवादी वह है जो खुली आंखों से देखता है कि उसके अपने साथी मनुष्यों के साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं करते, लेकिन उसकी मानवता इसका विरोध नहीं करती। वह जानता है कि बिना कारण के पुरुषों और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रखा है, लेकिन यह मददगार कार्रवाई के लिए उनकी नागरिक भावना को चुभन नहीं देता है। वह पाता है कि लोगों की एक पूरी श्रेणी सरकारी नौकरियों से वंचित है, लेकिन वह न्याय और निष्पक्ष होने की अपनी भावना को नहीं जगाता है। भारत और समाज को घायल करने वाली सैकड़ों बुरी प्रथाएं उसके द्वारा मनाई जाती हैं, लेकिन वे उसे घृणा का अनुभव नहीं देती। देशभक्त का एकमात्र रोना उसे और उसके वर्ग के लिए शक्ति है। मैं खुश हूं कि मैं देशभक्तों के उस वर्ग से संबंध नहीं रखता हूं। मैं उस वर्ग से आता हूं जो लोकतंत्र पर अपना रुख रखता है और हर रूप में एक अधिकार को नष्ट करना चाहता है। हमारा उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक में एक व्यक्ति एक मूल्य के हमारे आदर्श के अभ्यास का एहसास करना है। वाल्टर बगेहोत ने चर्चा से सरकार के रूप में लोकतंत्र को परिभाषित किया। अब्राहम लिंकन ने लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार के रूप में लोकतंत्र को परिभाषित किया। लोकतंत्र की मेरी परिभाषा है सरकार का एक रूप और एक पद्धति जिससे सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन बिना रक्तपात के लाया जाता है। यही असली परीक्षा है। यह शायद सबसे गंभीर परीक्षा है, लेकिन यदि आप सामग्री की गुणवत्ता की पहचान कर रहे हैं तो आपको उसका सबसे गंभीर परीक्षण करना पड़ेगा। हमें मात्र राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना है, हमें हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र बनाना है। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं रह सकता जब तक यह एक सामाजिक लोकतंत्र पर ना टिका हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन का एक तरीका है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को पहचानता है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के इन सिद्धांतों को अलग वस्तुओं के रूप में नहीं देख सकते। ये इस तरह से एक संघ के रूप में है कि एक का दूसरे से तलाक लोकतंत्र के उद्देश्य को समाप्त कर देगा। स्वतंत्रता का समानता से तलाक नहीं किया जा सकता और ना ही स्वतंत्रता और समानता का भाईचारे से तलाक किया जा सकता है। सामाजिक संघ के बिना राजनीतिक एकता प्राप्त करना मुश्किल है। यदि प्राप्त हो भी गई तो यह उतनी ही अनिश्चित होगी जितना गर्मियों में एक पौधा जिसे हवा का झोंका जड़ से उखाड़ देता है। मात्र राजनीतिक एकता के साथ भारत एक राज्य हो सकता है, लेकिन एक राज्य होना एक राष्ट्र होना नहीं है, और एक राज्य जो एक राष्ट्र नहीं है, अस्तित्व के संघर्ष में जीवित रहने की संभावनाएं कम होती हैं। यह विशेष रूप से सत्य है कि राष्ट्रवाद, जो आधुनिक समय में सबसे गतिशील बल है, हर जगह सभी मिश्रित राज्यों के विनाश और विघटन से खुद को मुक्त करने की तलाश में है। एक मिश्रित और समग्र राज्य के आंतरिक पुनरुत्थान के लिए खतरा बाह्य आक्रमण में इतना निहित नहीं है जितना उसकी खंडित, फंसी, दबी और उसकी इच्छा के खिलाफ आयोजित राष्ट्रीयता में है। आत्मसम्मान की कीमत पर जीना शर्मनाक है।
आत्मसम्मान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसके बिना आदमी कुछ नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए कठिनाइयों पर काबू पाना पड़ता है। केवल कड़ी मेहनत और निरंतर संघर्ष से ही शक्ति, आत्मविश्वास और मान्यता प्राप्त करता है। एमर्सन ने कहा कि स्थिरता गधे का एक गुण है। किसी भी विचारक को स्थिरता के नाम पर व्यक्त एक नजरिए से नहीं बांधा जा सकता है। जिम्मेदारी स्थिरता से अधिक महत्वपूर्ण है। एक जिम्मेदार व्यक्ति को सीखे को अनसीखा करना सीखना होगा। एक जिम्मेदार व्यक्ति के पास पुनर्विचार और अपने विचारों को बदलने के लिए साहस होना चाहिए। बेशक सीखे को अनसीखा करने और अपने विचारों को पुनर्गठित करने के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण होने चाहिए। पुनर्विचार करने में कुछ अंतिम नहीं हो सकता। हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं। जाति ही भारत को एक राष्ट्र बनाने के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो जाति को समाप्त करना होगा, और इसके लिए जाति की शिक्षा देने वाले धर्मशास्त्र को डायनामाइट से उड़ाना होगा। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। शिक्षित बनो, एकजुट रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब के इन विचारों को हमने वेलीवाड़ा और पराहया स्ट्रीट की वेबसाइट से साभार लिया है। कुछ विचार हमने बाबा साहब की पुस्तकों से लिए हैं। अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद मुकेश कुमार ने किया है। जय भीम।